हैप्पी नवरात्रि गाइज। आज जानिए कि जो हम मैया पे जो सिंगार का सामान चढ़ाते हैं उसका क्या करना चाहिए। कुछ लोग इसको दान कर देते हैं, लेकिन हम जो मैया के लिए चढ़ाते हैं वो हमारा एक प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और बांटना भी चाहिए। तो इसमें जो सामान है जो आप लोग लगाना चाहें वो आप ले सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, अपनी छोटी बहनों को दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। और इससे क्या होता है, मैया का प्रसाद सबके पास मिल जाता है, सबकी पति की लंबी आयु होती है। जय माता दी।